नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ नेहा वर्मा। जयपुर के सीरियल रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदर उर्फ जीवाणु नाम का यह आरोपी जयपुर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद कोटा में छुपा हुआ था। सिकंदर इससे पहले भी 2014 और 2015 में छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि वह जमानत पर बाहर था। 22 जून और 1 जुलाई को भी इसने जयपुर शहर में 2 छोटी बच्चियों के साथ रेप किया। रेपिस्ट सिकंदर की वजह से पिछले 5 दिनों से जयपुर शहर में तनाव का माहौल बना हुआ था और पुराने शहर में इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी थी। सिकंदर की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हुई, जिसमें वो बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हुए दिखा था। पुलिस ने जब जयपुर के अपराधियों की सूची खंगालने शुरू की तो सिकंदर उर्फ जीवाणु का पता चला। पिछले 3 मामलों में अपराध करने का इसका एक ही तरीका था। छोटी बच्चियों से जाकर कहता था कि उसके रिश्तेदार बुला रहे हैं, कभी कहता था कि पिता या भाई बुला रहे हैं, और फिर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म कर उन्हें फेंक देता था। 2001 में इसने पहली वारदात की थी, तब नाबालिग होने की वजह से यह छूट गया था। 2014 में भी एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसने हत्या कर दी थी, जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन 2015 में उसे जमानत मिल गई।